नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टीआर नायक, आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, जो हमारा सेकंड टॉपिक, यानी इससे पहले एक टॉपिक जो हम लोग है जो कि पढ़ चुके हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आज हम जो अभिप्रेरणा टॉपिक है मोटिवेशन, इसके अंदर एक क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, यानी अभिप्रेरणा क्या होती है इसका अर्थ जाना था, और उसकी कई सारी जो परिभाषाएं हैं, कई सारे विद्वानों ने दी है अलग अलग परिभाषाएं, उनके बारे में चर्चा की थी, और अभिप्रेरणा की विशेषताएँ पढ़ी थी हम लोगों ने, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं अभिप्रेरणा के जो प्रकार है वो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे, यानी अभिप्रेरणा के सेकंड क्लास में आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं अभिप्रेरणा चक्र से। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों का बातें हम लोग है जो कि करने वाले हैं, और इस प्रकार से हम निरंतर जारी करके 4-5 क्लास के अंदर आपके अभिप्रेरणा जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने की कोशिशें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। तो आप लोग है जो कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाएं, और साथ साथ मेरे जो भी मैं नोट्स यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ वो साथ साथ लिखने की कोशिश करें, और जहाँ पे मैं समझाता हूँ वहाँ पे समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे की जो क्लास एक सेशन जो हम लोगों ने लिए है वो आप लोगों ने अच्छे से शायद उसको रिविज़न कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में आप हेडिंग लगाएंगे अभिप्रेरणा चक्र। क्या लिखेंगे? अभिप्रेरणा चक्र। क्या होता है अभिप्रेरणा चक्र, अभी हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी आपको पेन हिलाना तक नहीं है, बस केवल आपकी जो नज़रें हैं वो यहाँ बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, या कहने का मतलब मेरी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है, जिसमें पहले व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो अभिप्रेरणा चक्र का पहला जो मूल उद्देश्य क्या होता है, आवश्यकता। क्या होती है आवश्यकता? एक बार समझने की कोशिश करना है, और फिर मैं जब कहूँ तब लिख लेना। ठीक है, क्या होती है आवश्यकता? आवश्यकता, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता से ही चालक की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये, जैसे कि आपको भोजन की आवश्यकता, यानी आप बैठे थे पढ़ रहे थे और आपको अचानक भूख लगी, क्या लगी? भूख लगी, या फिर हम कह सकते हैं प्यास लगी, तो पानी की क्या आपको आवश्यकता है, तो आपको भोजन की आवश्यकता है, तो आपको, यानी हम कह सकते हैं भूख लगी, तो भूख क्या है? भूख एक चालक है। क्या है? भूख चालक है। बाकी हम इसको एग्जाम्पल के रूप में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी आपको आवश्यकता किसकी है? भोजन की। तो इसके लिए आपको क्या लगी? भूख लगी। तो भूख क्या है? चालक है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, दो नंबर पे लिखते हैं, चालक। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं, चालक को हम कह सकते हैं अंतर्नोद, कह सकते हैं प्रणोदन, कह सकते हैं प्रणोदन, कह सकते हैं अंतर्नोद, कह सकते हैं, या फिर इन तीनों का, अंग्रेजी में इन तीनों का जो अर्थ निकलता है वो क्या है? ड्राइव। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कहते हैं ड्राइव। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, और इसके बाद में, यानी आवश्यकता, जब हमें भूख लगी तो चालक हमें क्या करता है? उस कार्य को करने के लिए गति प्रदान करता है। भूख लग गई तो अब हमें भोजन करना ही पड़ेगा, है ना, प्यास लग गई तो पानी पीना ही पड़ेगा। ये क्या है? इसकी सहायता करता है, या फिर इसमें है जो कि इसके मार्ग में गति प्रदान करता है, जैसे कि आपका ड्राइव कह दो, प्रणोदन कह दो, अंतर्नोद कहो, और या फिर हम कह सकते हैं चालक कहते हैं। उसके बाद में जब हमें भूख लगी तो कैसी स्थिति आ जाती है? हमें ऐसे लगता है कि जल्दी से जल्दी अब तो खाना खाया जाए, या फिर रोटी खाई जाए, या फिर अगर हम कह सकते हैं प्यास लगी है तो पानी जल्दी से जल्दी पिया जाए। तो इस प्रकार से आपके शरीर में, या फिर हम कह सकते हैं आपके मन में,
आपके शरीर में क्या हो जाता है, एक उद्वेलन की स्थिति हो जाती है, यानी तनाव उत्पन्न हो जाता है। आवश्यकता हुई, फिर चालक की उत्पत्ति हुई, फिर क्या हो जाता है कि आपके शरीर में, हम कह सकते हैं व्यक्ति के शरीर में कहें तो क्या हो जाता है, उद्वेलन की स्थिति बन जाती है, यानी तनाव उत्पन्न हो जाता है, उद्वेलन की स्थिति। उद्वेलन की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तनाव लिख सकते हैं। उद्वेलन क्या होता है, यानी जैसे कि हम कह सकते हैं हम उस चीज से थक जाते हैं कि बस हमें तो ये चीज करनी है, मतलब इतना गुस्सा, उतना हम कह सकते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं आप उस कार्य को करने के लिए। जैसे कि कई बार सुना है ना आपने कि नदी के उद्वेलन से क्या हो जाता है, बांध टूट जाता है, नदी के उद्वेलन से बांध टूट जाता है। कहने का मतलब अत्यधिक उसके अंदर गुस्सा मान लो, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर इससे अब, यानी जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है भोजन की, तो इससे अब रहा नहीं जाता, ये कुछ भी कर सकता है, तो क्या होता है इसके अंदर है जो कि तनाव की स्थिति हो जाती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी उद्वेलन की स्थिति बन जाती है। फिर क्या करता है ये उस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हम कह सकते हैं लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है कि अब किस प्रकार से हमें व्यवहार करके इस भोजन को प्राप्त करना है ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहां से इससे आगे लिखिए, आप लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है, फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, क्या करता है बंदा, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करता है तो उसे क्या होती है, फिर भोजन की उपलब्धि हो जाती है, क्या होती है, उपलब्धि हो जाती है। एक बार हम भोजन का जो एग्जांपल है लेकर के चल रहे थे, इसलिए आप सोचेंगे कि सर बार बार भोजन के बारे में ही क्यों बता रहे हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, पानी का समझ लिया, भोजन का समझ लिया, या फिर आपका जो भी टारगेट, जो लक्ष्य है, आवश्यकता जिसकी होती है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं समझाने के लिए आपकी जो लिए कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। आवश्यकता के बाद में किसकी उत्पत्ति हुई, चालक के बाद में तनाव, मन में तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव के बाद में बात कर सकते हैं लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है, और जब ये व्यवहार किया जाता है तो उपलब्धि हो जाती है, और उपलब्धि होने के बाद में क्या हो जाता है कि जो ये तनाव उत्पन्न हुआ था, उद्वेलन की जो स्थिति है इसमें कमी आ जाती है, और व्यक्ति जो हम कह सकते हैं संतुलित अवस्था में आ जाता है, क्या आ जाता है। अब इसके बाद में किसकी उत्पत्ति होती है, इस यहां से उद्वेलन में कमी, उद्वेलन में कमी आ जाती है, यानी व्यक्ति का जो तनाव था वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, तनाव जो था वो बिल्कुल कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यानी व्यक्ति यहाँ पे हम कह सकते हैं संतुलित अवस्था में आ जाता है, अपनी संतुलित अवस्था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्यक्ति यहाँ पे संतुलित अवस्था में आ जाता है। ठीक है, व्यक्ति संतुलित अवस्था में आ जाता है, यानी एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करें इस अभिप्रेरणा चक्र को, जब व्यक्ति को किसी भी चीज की हम कह सकते हैं आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार भोजन का समझ लिया, मान लीजिए पानी का समझ है ना, कि आवश्यकता हुई व्यक्ति को, बस लगा बैठे बैठे को कि मुझे पानी पीना है, तो क्या होगा कि जब एक बार पहले उसने सोचा कि शायद मैंने कई देर होगी पानी पिया नहीं है, तो उसको ऐसा लगेगा आवश्यकता होगी कि मुझे पानी पीना है, और थोड़ी देर और हो जाएगी तो उसको बहुत तेज गति से हम कह सकते हैं प्यास लगेगी, क्या लगेगी, प्यास लगेगी, तो वो क्या कहलाती है, प्यास जो होती है वो चालक होती है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर चलो उसको बाद में समझेंगे, चलो मान लीजिए प्यास है, प्यास क्या है और पानी क्या है,
बताएं, यहाँ से प्रश्न एक बार बना भी था, प्यास और पानी में क्या अंतर है? प्यास तो हम कह सकते हैं चालक है, प्यास क्या है? चालक है। और पानी जो उद्दीपन है ये क्या है? ये हम कह सकते हैं आवश्यकता है। मेन आपकी आवश्यकता क्या है? पानी पीना। तो उसके लिए जो प्यास आपको लगी ये उसके मार्ग में गति प्रदान कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर बात करेंगे आगे प्रोत्साहन की, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो कह जो कि ये अभी प्रेरणा चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि प्यास लगी आपको, प्यास लगी तो ये चालक कहलाती है, और जब प्यास लगी तो आप इधर उधर ऐसे करते हैं कि फ्रिज के अंदर से बोतल निकालते हैं या फिर इधर उधर दौड़ के है जो कि पानी पीने की कोशिश करते हैं उस प्यास को बुझाने के लिए, यानी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। आपके मन में है जो कि तनाव उत्पन्न हो जाता है, और तनाव के बाद में हम कह सकते हैं आप जैसे पानी पीने की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, एक अच्छा व्यवहार करते हैं। लक्ष्य क्या, आपका लक्ष्य क्या है? पानी पीना है, यानी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। तो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं, उसके बाद में आपकी जो उपलब्धि, यानी आप पानी आपने अगर पी लिया पानी, यानी इसके बाद में अगर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया है आपने तो उपलब्धि हो जाती है। आपने पानी पी लिया तो फिर क्या होता है कि ये जो तनाव की उत्पन्न जो हुआ था इसमें कमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब व्यक्ति को प्यास लगी थी और फिर व्यक्ति जो है वो संतुलित अवस्था में आ जाता है, यानी अब उसकी प्यास बुझ गई है, फिर से वह पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये एक अभिप्रेरणा चक्र कहलाता है। अब ये जो है यहाँ पे संतुलित अवस्था में आ जाता है, इसको छोड़ के बाकी ये आप लिखिए या फिर इस डायग्राम को बनाएं और इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद भी आगे पढ़ते हैं। बहुत शानदार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, जरूर बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, उद्वेलन की जगह तनाव भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज में आपको अच्छे से इन सभी को एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ कि आवश्यकता क्या होती है, चालक क्या होता है और उद्वेलन क्या होता है, इन सभी के बारे में अच्छे से अपन बातें करने वाले हैं। चलिए फटाफट से लिखिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। इसी प्रकार से आप बनाना, आपको चक्र बनाना है। वैसे मैं नंबर भी लगा दूँ आप कहो तो, ठीक है? तो इस हिसाब से ये चक्र चलता है। लिखो फटाफट से, ये जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाओ। इसमें ये जो एरो का निशान है ये भी आपको लगाना है। लिख लिया, ओके। अब क्या करते हैं, इन सभी को मैं एक पेज के अंदर अच्छे से लाइन टू लाइन आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब लिखो सबसे ऊपर आवश्यकता, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले लिखो ऊपर आवश्यकता। क्या हुई आपको? आवश्यकता हुई। जब आवश्यकता हुई उसके बाद में कौन आता है भाई? चालक, या फिर इसकी जगह आपको नाम मिल सकता है प्रणोदन, या फिर इसे और क्या कहा जाता है, अंतर्नोद भी कहा जाता है, अंतर्नोद भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसे, ड्राइव। ठीक है, और चालक के बाद में सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद में चालक हो गए, और उसके बाद में क्या आता है, उद्वेलन, है ना, तनाव की स्थिति बन जाती है।
विद्वेलन की स्तुति। अब लिख करके तनाव की स्थिति। तनाव की स्थिति फिर लिखे लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं आप। लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है, ठीक है। उद्वेलन की स्थिति के बाद में क्या करते हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लक्ष्य को ध्यान में रख करके व्यवहार करते हैं। लिख दीजिए कोष्ठक में लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करना। लक्ष्य को ध्यान में, यानी जो आपकी आवश्यकता है वो क्या है, आपका लक्ष्य बन जाता है और उसी को ध्यान में रख करके है जो कि क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और अंत में उपलब्धि जब मिल जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने संतुलित जो अवस्था थी उसके अंदर वापस से लौट करके आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में लिखिए आप उपलब्धि। ऐसे कैसे हुआ भाई, उपलब्धि नाम लिखना कैसे भूल गया मैं। अच्छा आ गया, उपलब्धि या फिर लिखे लक्ष्य। कई बार ऐसे भी हो जाता है, उपलब्धि नाम लिखना भूल गया था अभी, देखो फिर हो गया, ठीक हो गया ना। कभी लय के इधर डंडा लगा रहा था कभी, लेकिन शुक्र है ठीक हो गया, ठीक है। और फिर हम बात कर सकते हैं उपलब्धि या लक्ष्य हो गया। और उसके बाद में आता है आपके उद्वेलन, यानी जो तनाव था उसके अंदर कमी आती है और व्यक्ति अपनी संतुलित अवस्था के अंदर आ जाता है। लास्ट लिखे तनाव या उद्वेलन में कमी आती है कॉमा करके लिखे, या फिर कोष्ठक में लिख दीजिए व्यक्ति अपनी संतुलित अवस्था में आ जाता है, अपनी संतुलित अवस्था अवस्था में आ जाता है। लिखो चलो मैं साइड में होता हूँ, लिखिए फटाफट। लिख लिया होगा, वैसे पूरा तुरंत नहीं लिखा जाए तो आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ये वीडियो ऑफलाइन है कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क YouTube पे उपलब्ध है, तो आप इसको अच्छे से स्किप करके कैसे भी आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा जो चक्र था इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है, और मैं आशा करता हूँ कि पूरा जो
ये हम कह सकते हैं तथ्य जो था ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, इसके चार साधन बताए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं स्रोत माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहले एक आप हेडिंग लगाएं फिर समझने की कोशिश करते हैं, और जो चार साधन हैं जो चार स्रोत हैं उसको एक एक करके भी हम लोग हैं जो कि पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखें अभिप्रेरणा मोटिवेशन के चार साधन माने गए हैं, के चार साधन या ऑब्लिक करके लिखे स्रोत माने जाते हैं। कौन कौन से भाई? पहला है नीड, आवश्यकता। पहला कौन सा हो गया? आवश्यकता। कोष्टक में लिखो नीड। फिर दूसरा वही चालक, दूसरा कौन सा है? चालक अंतर्नोद। प्रणोदन ड्राइव। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा आ जाता भाई? तीसरा कौन सा आ जाता है? तीसरे की बात करें तो प्रोत्साहन उद्दीपक, इंसेंटिव, प्रोत्साहन ऑब्लिक उद्दीपक। इंसेंटिव ठीक है, ये हो गया तीसरा। और चौथा फिर लिखते हैं, चौथा कौन सा होगा? प्रेरक यानी मोटिव। चार नंबर लगा के लिखो प्रेरक। ठीक है, तो पहले ये चार पॉइंट लिखो, इसके बाद में एक एक करके इन सभी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं आशा करूँगा कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारी क्लास की खासियत ये रहती है कि जो भी हम यहाँ समझते हैं वो 80% तुरंत आपको याद करवा देता हूँ मैं, ये हमारी गारंटी है। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, वो सारी की सारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड बनने की कोशिश से, या फिर हम कह सकते हैं भविष्य के अंदर आप सेकंड ग्रेड यानी वरिष्ठ अध्यापक हैं, आप अपने आप को मानना चाहते हैं, या फिर मानना नहीं रियल तौर पर देखना चाहते हैं कि मैं लेक्चरर हूँ भविष्य का, तो आप सभी के लिए कहने का मतलब ये है कि इसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। ये जो मैटर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इनमें से एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। हम बात करें तो आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, बाकी सेकंड पेपर हम लोग इसके बाद में, फर्स्ट पेपर हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेकंड पेपर की हम लोग है जो कि चर्चा करेंगे, और क्लासें लगातार निरंतर जारी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखिए पहले अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन के चार साधन बताएंगे हैं, पहले तो फटाफट से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, प्रेरक, फिर एक एक को करके समझेंगे ना। आवश्यकता का मतलब नीड हो गया, और ड्राइव का मतलब चालक, या फिर इसको प्रणोदन या फिर अंतर्नोद भी कहा जाता है। उद्दीपक जो होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और मोटिव यानी प्रेरक। तो पहले लिखो इसको, फिर एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं फटाफट से, एक 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 करके मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। ठीक है, लिखो फटाफट से।
लिख लिया। अब एक नंबर लगा के आपको लिखना है आवश्यकता। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लिखो, हेडिंग लगा दो पहले, आवश्यकता यानी नीड। इसमें क्या होता है, यानी किसी भी आवश्यक, पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी या फिर हम कह सकते हैं अभाव आवश्यकता कहलाते हैं। जैसे आप टेबल पे कह सकते हैं चेयर लेके टेबल पे बैठे हैं और आप किसी शहर की या फिर हम कह सकते हैं जहाँ से कोर्स आपने ले रखा है और उसमें क्या कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स के लिए आपके पास नोटबुक तो है लेकिन आपका जो पेन है वो क्या हुआ, ख़त्म हो गया। कहने का मतलब उसकी जो स्याही थी वो एंड हो गई और अब आपको नया पेन की ज़रूरत है, यानी नया पेन की आपको एक हम कह सकते हैं नीड है, आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, यानी इसका अभाव हो गया, पेन की आपके पास में क्या आ गई, कमी आ गई। कहने का मतलब अभी आपके पास में कोई पेन नहीं है और उसके बिना आप हम कह सकते हैं क्लास से नोट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, या फिर कैसे भी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसी के कारण यही है कि किसी भी आवश्यक वस्तु, यानी इसकी ज़रूरत है आपको, अभी ज़रूरत है, हाल फिलहाल में ज़रूरत है, तो ये किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी या फिर हम कह सकते हैं अभाव आवश्यकता कहलाती है। समझ में आ गया ना, ये आपकी आवश्यकता हो गई। जैसे आपके शरीर में भोजन की ज़रूरत पड़ी, यानी अब जैसे आपने पूरे दिन कार्य किया और सुबह मान लीजिए 7 बजे जाके आपने है जो कि कहीं हम कह सकते हैं कहीं निर्माण कार्य के अंदर जैसे मजदूरी का कार्य करते हैं तो वहाँ पे लग गए और जैसे ही 1-1.5 बजे तो आपके खाने का जो टाइम हो गया तो उस टाइम आपके शरीर में एनर्जी ख़त्म हो गई, तो किसकी आवश्यकता पड़ गई, भोजन की। किसकी आवश्यकता हो गई, भोजन। तो इसकी क्या है कि यानी आपके शरीर में किसकी कमी आ गई, ऊर्जा की कमी आ गई, शक्ति की कमी आ गई, तो आवश्यकता आपकी क्या है, भोजन की आवश्यकता है। तो ये जब आप इसकी पूर्ति करेंगे तभी आप है जो कि अपनी संतुलित अवस्था में आ पाएंगे, तो ये आपकी है जो कि आवश्यकता हो जाएंगी, इसका अभाव आपके शरीर में हो जाता है, ठीक है, भोजन का। और आपको प्यास लग गई तो पानी का क्या है, अभाव है, पानी की कमी है और आपको पानी पीने के बाद आप है जो कि संतुलित अवस्था में आ सकेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आवश्यकता की कमी से असंतुलन या फिर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है या फिर हम कह सकते हैं तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि भोजन है, पानी है, ठीक है, जब आपको आवश्यकता किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आपके शरीर में या फिर हम कह सकते हैं किसकी स्थिति बन जाती है, इसकी कमी से आवश्यकता आपको जो पड़ती है, आवश्यक वस्तु की कमी के कारण आपके हम कह सकते हैं मन या फिर शरीर में असंतुलन बन जाता है। क्या आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप हंसी खुशी से फिर से काम करने लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, और आप निराश होकर बैठ जाएंगे जब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि आपके अंदर एक असंतुलन बन गया, आप अपने शरीर को संतुलित अवस्था में वापस से नहीं ला सकते जब तक आपको भोजन नहीं प्राप्त करवाया जाता, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें तो इसमें लिख दीजिए, चलो पहले इसको लिखवा देता हूँ मैं, फिर आगे समझते हैं। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। लिखिए, किसी भी वस्तु की कमी या अभाव, किसी भी आवश्यक वस्तु, ज़रूरतमंद है ना, आवश्यक वस्तु की कमी या अभाव भी क्या है, कमी है ना, अभाव क्या कहलाता है, आवश्यकता कहलाता है,
किसी वस्तु, किसी आवश्यक वस्तु, वस्तु नहीं आवश्यक वस्तु जिसकी जरूरत है, हाल फिलहाल में जरूरत है, किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी या अभाव आवश्यकता कहलाती है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। अब आप लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कि आवश्यकता की कमी से व्यक्ति के अंदर संतुलित अवस्था को खो देता है, यानी असंतुलित अवस्था या फिर तनाव उत्पन्न होता है, जैसे कि भोजन है आपको, और हम बात कर सकते हैं पानी आदि। आवश्यकता की कमी से या फिर की कमी के कारण, आवश्यकता की कमी से व्यक्ति में, या फिर सीधा लिखे असंतुलन आवश्यकता की कमी से असंतुलन या तनाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जैसे भोजन पानी आदि, जैसे भोजन पानी आदि, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट यानी हर एक तथ्य को समझने की कोशिश करें, ताकि किसी भी प्रकार से वहां से अगर थोड़ा चेंज प्रश्न भी अगर एग्जाम में बनाया जाए तो आपका गलत नहीं हो सकता ना। ऐसे नहीं कि सर ने तो बस ये दो एग्जाम्पल लिखाए थे, इसमें से आए नहीं, समझने की कोशिश करना है, ठीक है। वैसे आपको कोई दिक्कत है नहीं, असंतुलन लिखिए। नीड किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी या अभाव आवश्यकता कहलाती है, और आवश्यकता की कमी से असंतुलन व्यक्ति में असंतुलन यानी तनाव की उत्पन्न होता है, या फिर तनाव की उत्पत्ति होती है, जैसे कि भोजन पानी की आदि की आवश्यकता के कारण है, जो कि क्या हो जाते हैं, व्यक्ति असंतुलन अवस्था में आ जाता है, ठीक है। लिखो फैक्ट के रूप में, अगर हम बात करें, जैसे आपको और मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे, जैसे भोजन क्या है, भोजन और पानी, आवश्यकता। अब भोजन के लिए आपको क्या लगेगी, चालक क्या कहलाता है, भूख। आपको भोजन करने से पहले क्या लगी, भूख लगी, तब आप भोजन करने के लिए अति, हम कह सकते हैं, उत्सुक हो गए कि अभी तो हमें भोजन, अब तो हमें भोजन करना ही पड़ेगा। और पानी के लिए क्या लगेगी, प्यास। तो ये क्या कहलाता है, भूख और प्यास क्या कहलाता है, चालक, ड्राइव। समझ में आ रहा ना, भोजन पानी आवश्यकता कहलाती है, और भूख और प्यास है जो कि चालक, अंतर्नोद या प्रणोदन या ड्राइव कहलाता है। तो लिखिए पहले इसका इतना। लिख दिया, तो अब लिखो आप दो नंबर लगा के, पहला कौन सा पढ़ लिया हमने, आवश्यकता पढ़ लिया, फिर दो नंबर लगा के चालक के बारे में पढ़ते हैं। चालक प्रणोदन अंतर्नोद, सभी यानी आप एक ऐसा सोचेंगे कि सर ने ये चालक प्रणोदन अंतर्नोदन कितनी बार लिखवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सभी यानी हमने पहले हर जगह जगह जहाँ पे इसकी आवश्यकता थी वहीं पे ही लिखवाया है। जैसे पहले
उस चक्र के अंदर इसकी आवश्यकता थी, केवल नाम ही लिखा था, लेकिन अब इसको क्या है डेफिनेशन, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, इसका विवरण जानते हैं, यानी इसके अंदर जो क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, अब समझते हैं चालक क्या होता है। वैसे तो आपने समझ लिया कि प्यास, भूख, प्यास, ये सब हम लोगों ने अच्छे से समझा है। चालक किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर सीधा लिखे कि चालक किसी भी कार्य को करने की शक्ति या ऊर्जा है। चालक किसी भी कार्य को करने की क्या है भाई, शक्ति या ऊर्जा है। ठीक है, फिर लिखो चालक जो है, यानी आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? जब आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ती है तभी तो चालक की उत्पत्ति होती है। जब भूख यानी भोजन आपको करना है तभी तो क्या है, हम कह सकते हैं चालक की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आपको लगा कि अब खाना खाना है, फिर आपको भूख लगेगी और चालक की उत्पत्ति होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी से चालक की उत्पत्ति होती है। लिखिए आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है, आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है, जो प्राणी या व्यक्ति को आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है। चालक प्राणी को या व्यक्ति को, चालक प्राणी को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। किसके लिए? प्राणी को कार्य करने के लिए गति या ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करता है। प्राणी को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या करता है, गति प्रदान करता है, प्रदान गति या ऊर्जा प्रदान करता है, प्रदान करता है। इसके बाद में एक चीज और आएगी यहां पे, वो उसका आंसर देना आप, कि जैसे वो यानी जैसे कि आपको भोजन करना है, उसके लिए भोजन क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और मान लीजिए आपको भूख लगी, वो क्या है, चालक है, अंतर्नोद है, ड्राइव है, तो ये क्या है, गति प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि आपको कहीं हलवा बन रहा है और आपको आ गई सुगंध, तो वो क्या कहलाता है। जैसे आपको भूख लगी और आपको भोजन करने जाना है, और आपको भूख लगी यानी जो चालक है वो आपके लिए बार बार कह रहा है कि चलो भोजन करने चलते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, अंदर अंदर बैठे रहते हैं कि चलो 5 मिनट की क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में चल जाऊँगा, या फिर एक पेज पढ़ूंगा, उसके बाद में खाना खाने किचन के अंदर चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही किचन के अंदर से कोई खुशबू आ जाती है कि हलवा बन रहा है, या फिर गोंद पाक, जो भी आपको खीर की भी मान लो सुगंध आ जाती है, तो क्या हो जाता है कि आप और जल्दी आपका जो गति है वो और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो आगे पढ़ने वाले, इसके बाद में जो तीन नंबर का जो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पॉइंट क्या पढ़ा था, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि भोजन आवश्यकता के लिए भूख क्या है, चालक है, और पानी आवश्यकता के लिए प्यास क्या है, प्यास चालक है, नौकरी आवश्यकता के लिए बोनस क्या है, प्रोत्साहन है, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इसमें लिखो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे उदाहरण
एक लाइन में लिख दो डायरेक्ट, जैसे भोजन आवश्यकता के लिए, भोजन आवश्यकता के लिए भूख, इनको अंडरलाइन कर देना, भोजन और भूख को, भूख चालक है, कॉमा लगाओ या फिर यहाँ दोबारा यहाँ लिख दो, पानी आवश्यकता के लिए, पानी आवश्यकता है उसके लिए, प्यास क्या है, प्यास चालक है। और एक एग्जांपल, यानी तीनों साथ में लिखवा दूं ताकि समझ में आ जाए, जैसे मैंने अभी आपको सुगंध के बारे में बताया था, या फिर सुगंध वाला हो गया, और यानी किसी भी खाने के लिए जैसे आपको सुगंध आ जाए, और वो आपको है जो कि हम कह सकते हैं सुगंध जो आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर देती है, और जो काम आप कर रहे थे उसको छोड़ करके दौड़ के चल जाते हैं कि अब तो हमें खाना खाना ही है, ठीक। या फिर क्या करते हैं, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, ठीक है, या फिर किसी भी जॉब मानो, उसके अंदर आपको सैलरी जो मिलती है, सैलरी मिलती है वो क्या है, सैलरी मिलती है वो क्या है, लेकिन सैलरी मिलती है वो चालक है, ठीक है। जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन आपको वहाँ पे बोनस दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है। बोनस क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है। फिर वो क्या करते हैं कि आपके कार्य के अंदर और ज़्यादा गति बढ़ा देते हैं, जैसे कि आप जॉब करते हैं किस लिए, पैसों के लिए, तो पैसे आपके लिए हम कह सकते हैं जैसे कि आपको सैलरी दी जाती है तो वो चालक कहलाती है, और उसी चालक के अंदर, यानी वो चालक आपके हर रोज डेली हम कह सकते हैं आप जॉब पे जाते हैं तो उसके लिए गति प्रदान करता है, और उसी के अंदर आपको बोनस दिया जाता है, एडवांस मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं गिफ्ट आपको दिया जाता है, बोनस दिया जाता है कि ये इस बार में आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी गिफ्ट के रूप में, इनाम के रूप में। तो आप क्या करते हैं, और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, और रेगुलर कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, और अच्छे से कंपनी को चलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोत्साहन कहलाता है। यानी नौकरी, नौकरी कर रहे हैं आप, वो क्या है, आपकी आवश्यकता है, उसके अंदर बोनस क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आगे मैं उसके अंदर लिखवा दूंगा कि नौकरी आवश्यकता के लिए बोनस प्रोत्साहन कहलाता है, ठीक है। लिखो पहले ये लिखो, फिर 3 नंबर करके हम लोग है जो कि प्रोत्साहन लिखते हैं। लिख दिया, अब लिखो प्रोत्साहन, उद्दीपक, इंसेंटिव, 3 नंबर लगा के लिखो, प्रोत्साहन, उद्दीपक, इंसेंटिव। अब इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी जिस कारक, यानी जो कारक होता है, जिस कारक या उद्दीपक, जो आवश्यकता की पूर्ति हम करते हैं, जिस कारक या उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति की जाती है उसे, यानी हम कह सकते हैं प्रोत्साहन कहा जाता है। सही अर्थ के रूप में अगर हम इसके अंदर समझने की कोशिश करें तो क्या करते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जो साधन
उद्दीपन की तरह क्या करते हैं, प्रोत्साहित यानी आकर्षित करते हैं। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे थे और पढ़ रहे थे, जैसे ही 1 बजे आपको लगा कि खाना खाना है, ठीक है, और तो खाना खाने में आप क्या है देर कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्या है कि भूख आप अपने आप भूख है जो कि आपके शरीर को जकड़ रही है कि नहीं खाना खाना है, फिर भी आप 5 मिनट डटे रहें। लेकिन अचानक यहाँ किचन से मम्मी क्या कर रही है, मान लीजिए कोई अच्छा स्वादिष्ट पकवान बना रही है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे आपके लिए है जो कि पकौड़े बना रही है, तो तुरंत आपको क्या करेंगे, ये खुशबू आएगी। क्या आएगी? खुशबू तुरंत आएगी, तो आपको लगेगा अरे कहीं निमड़ तो नहीं जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, फटाक से उठ गए और उद्दीपक की पूर्ति करते हैं, यानी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है जो कि उद्दीपन की सहायता से आप क्या करते हैं, सुगंध जब आई तो आप फटाक से चले जाते हैं। तो ये बीच में क्या है कि और ज़्यादा गति प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी एक ऐसा ही मैंने एग्जाम्पल आपको और दिया था कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी आपकी क्या है, नौकरी आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं नौकरी। लेकिन यहीं पे अगर आपको बोनस दिया जाए तो ये क्या है, आपको यहाँ कंपनी की तरफ या फिर आप जॉब की तरफ आपको आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। जैसे बच्चा पढ़ रहा था तो वो सुगंध क्या है उसको आकर्षित करी और तुरंत उसको बुला लिया कि आ जाओ भाई अपना उद्दीपक प्राप्त करो, यानी आपकी आवश्यकता की पूर्ति करो। यही क्या है कि यहाँ पे नौकरी कर रहा है, सैलरी मिल रही है, जितने भी मिल रही हैं, लेकिन बोनस दिया गया तो ये कंपनी की तरफ इसकी जो आवश्यकता थी उसके बाद में इसकी के अकॉर्डिंग अन्य के रूप में हम बात कर सकते हैं, इसको यहाँ आकर्षित किया और यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि रेगुलर जाने लग जाता है, या फिर इसको है जो कि अपनी तरफ खींचने के लिए है, जो कि किसकी किसका प्रयोग किया गया, प्रोत्साहन, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, लिखो किसी कारक या उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, किसी कारक या उद्दीपक द्वारा द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है, क्या कहलाते हैं, पूर्ति होती है तो वह क्या कहलाता है, प्रोत्साहन कहलाता है, प्रोत्साहन कहा जाता है। इसी को सही अर्थ के रूप में अगर समझे, लिखे सही अर्थ में समझे, सही अर्थ क्या रहेगा इसका, यानी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने के वाले जो साधन उसमें उद्दीपक की तरह प्रोत्साहित या आकर्षित करती है। सही अर्थ क्या रहेगा, आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन, आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन क्या करते हैं, उद्दीपक की तरफ आकर्षित करते हैं, उद्दीपक की तरफ यानी अपनी ओर खींचता है, ये उद्दीपक की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले साधन या स्रोत जो उद्दीपक की तरफ आकर्षित करता है, उद्दीपक की तरफ आकर्षित करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोत्साहित भी आकर्षित करता है या फिर प्रोत्साहित करता है, ये की बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं आकर्षित या प्रोत्साहित करता है।
ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, लिखो फटाफट से एग्जाम्पल, यानी वही दो एग्जाम्पल, यानी वैसे आप बना सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल किसी प्रकार से, लेकिन जो इसके अंदर मैच हो रहा है वही बनाना है आपको, यानी वेतन के साथ बोनस का मिलना या भोजन को प्राप्त करने के लिए उसकी सुगंध द्वारा ध्यान आकर्षित करना। वेतन के साथ है, बोनस का मिलना, जैसे वेतन के साथ या तनख्वाह के साथ, वेतन के साथ है, बोनस का मिलना या भोजन आवश्यकता के लिए, भोजन की आवश्यकता के लिए भोजन की आवश्यकता के लिए उसकी सुगंध द्वारा ध्यान आकर्षित करना, भोजन की आवश्यकता के लिए उसकी सुगंध द्वारा, सुगंध समझ गए ना, खुशबू, उसकी सुगंध द्वारा द्वारा ध्यान आकर्षित ठीक, वेतन के साथ बोनस का मिलना या भोजन की आवश्यकता के लिए उसकी सुगंध द्वारा ध्यान आकर्षित, ठीक है, लिखो फटाफट से। फिर चौथा कौन सा रह जाता है, प्रेरक, यानी मोटिव, लिख दिया, चलो लिखो, चलो लिख लिया तो फिर लिखते हैं चौथा, लिखो प्रेरक, इसके अंदर लिखे आप प्रेरक क्या है, इसमें तीनों को मिला दिया गया है, तीनों को मर्ज कर दिया गया है, साथ मिलाया गया है, यानी इसमें आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन तीनों को सम्मिलित किया गया है या फिर तीनों सम्मिलित है। फिर एक बात करते हैं, इसमें एक सूत्र दिया गया है जो क्या है, मोटिव, MOTIV, मोटिव बराबर किस किस को मिलाया गया है, इसमें N+D+I, ये सूत्र किसने दिया है, हिलगार्ड ने दिए, किसने दिए है, हिलगार्ड ने दिया। मोटिव यानी प्रेरक क्या है, प्रेरक, इसका सूत्र क्या है, N+D+I, अर्ध नंबर, मतलब क्या हो गया इनका, एन का मतलब नीड हो गया, आवश्यकता, डी का मतलब ड्राइव, चालक, आई का मतलब इंसेंटिव, यानी प्रोत्साहन, उद्दीपक। तो ये इसके अंदर अब बस इतना लिखना है, तीनों को मिलाया गया है, इसमें आवश्यकता, चालक,
प्रोत्साहन तीनों सम्मिलित है। एक लाइन लिखो इसमें, इसमें इसमें आवश्यकता चालक, आवश्यकता चालक तथा प्रोत्साहन तीनों सम्मिलित है। तीनों को साथ मिलाकर के कौन सा जो स्रोत बनाया गया, प्रेरक स्रोत, ठीक है। फिर लिखे हिलगार्ड द्वारा एक सूत्र दिया गया, हिलगार्ड द्वारा दिया गया सूत्र क्या था? मोटिव बराबर एन प्लस डी प्लस आई। लिखने की जरूरत थोड़ी है, लिख लोगे आप, बस इतना ही है। वैसे तो आपको लिखवा दूं, एन का नीड हो गया और डी का ड्राइव हो गया और इंसेंटिव, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही लिख दूं, अब समझ रहे, दिख रहा है सही अच्छे से, ठीक है। देखो फिर क्या करते हैं, प्रेरक के प्रकार पढ़ते हैं। तो सभी जो विद्वान थे यहाँ पे, हम कह सकते हैं, उन्होंने अलग अलग जो इसके प्रकार बताए हैं। अभी प्रेरक जो थे, यानी प्रेरक कह सकते हैं, इसके प्रकार है मेस्लो के अनुसार दो प्रकार बताए गए हैं। कौन से? एक तो प्रेरक को उन्होंने कहा है कि अर्जित प्रेरक माना गया है, या फिर जन्मजात। दो प्रेरक बताए गए हैं। एक तो कहा गया है कि जो प्रेरक है वो अर्जित प्रेरक होते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया है कि जन्मजात है। और गेरेट के अनुसार तीन प्रकार बताए गए हैं, और थॉमसन के अनुसार दो बताए गए हैं। एक तो स्वाभाविक प्रेरक और दूसरा कृत्रिम प्रेरक। और गेरेट ने तीन प्रकार बताए, जिसमें एक पहला है जैविक, जिसको दैहिक भी कहते हैं, और एक सामाजिक है, और एक है मनोवैज्ञानिक। तो लिखते हैं, फिर इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिख दिया होगा ये आपने, लिख लिया क्या? ये नहीं लिखा तो लिखो फटाफट से। लिख दिया, चलो अब एक हेडिंग लगाओ, अभिप्रेरक के प्रकार। क्या लिखेंगे? अभिप्रेरक के प्रकार। अभिप्रेरक या प्रेरक के प्रकार, ठीक है। इसमें लिखो अभिप्रेरक या प्रेरक के प्रकार, अभिप्रेरक या प्रेरक के प्रकार। हेडिंग लगा दी, फिर एक नंबर लगाओ या फिर सीधा लिखो इसमें। किसके अनुसार? मेस्लो के अनुसार। मेस्लो के अनुसार प्रेरक के दो प्रकार बताए गए हैं। प्रेरक के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? जन्मजात और
यानी हम कह सकते हैं अर्जित व जन्मजात। पहला अर्जित प्रेरक, दूसरा जन्मजात प्रेरक। इसके बाद में लिखो आप, गेरेट ने तीन प्रकार बताए हैं। गेरेट ने, पहले लिखो, गेरेट के अनुसार, फिर डैश करके लिखो, प्रेरक के तीन प्रकार बताए गए हैं। बताए गए हैं कौन कौन से? दैहिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब लिखो इसमें तीन प्रकार लिखो। जैविक ऑब्लिक करके इसी को कहा जाता है दैहिक प्रेरक, और इसके बाद में लिखो आप दूसरा कौन सा हो जाएगा? सामाजिक प्रेरक। तीसरा कौन सा हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक, ठीक है। फिर दो लिख लिया मेस्लो के अनुसार, दो अर्जित व जन्मजात, और इसके गेरिट के अनुसार है जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तीन प्रेरक हैं। और फिर लिखते हैं हम थॉमसन के अनुसार दो प्रेरक बताए गए, एक स्वाभाविक और दूसरा कृत्रिम। ये लिखो पहले और नेक्स्ट पेज में लिखवा देता हूँ मैं आपको थॉमसन के अनुसार। फिर सभी को एक एक करके पढ़ना होगा। अर्जित को अलग से पढ़ेंगे, अर्जित प्रेरक कौन से कहलाते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जन्मजात प्रेरक पढ़ेंगे और जैविक पढ़ेंगे, सामाजिक पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, स्वाभाविक पढ़ेंगे, कृत्रिम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लिखो इसको। लिख लिया, चलो अब लिखो आप थॉमसन के अनुसार प्रेरक के दो प्रकार बताए गए। थॉमसन के अनुसार प्रेरक के दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार बताए गए हैं कौन कौन से? स्वाभाविक प्रेरक दूसरा होगा, कृत्रिम। ठीक है, स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी हमने समझा है वो सारे याद हो गए होंगे। थॉमसन के अनुसार दो प्रकार बताए गए, स्वाभाविक और कृत्रिम। और लिखो इसको पहले, फिर एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ सारे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए सारे जो भी हमने आज पढ़ा है आज के क्लास में। लिख लिया ना? तो थॉमसन के अनुसार दो, स्वाभाविक और कृत्रिम। और मेस्लो के अनुसार अर्जित प्रेरक व जन्मजात प्रेरक, और गेरेट के अनुसार जैविक या फिर इसी को देही कहा जाता है या सामाजिक, और एक मनोवैज्ञानिक, तीन प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं। तो इसी के अनुसार साथियों क्या करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं। यानी ये जो भी प्रेरक पढ़े हैं इसको पहले तो हम क्लास जैसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, उसमें सभी को डेफिनेशन के अनुसार एक एक करके है जो कि पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।